आज दिनांक 18 जून 2021 को भाकपा माले प्रखंड कमेटी चकाई की ओर से बोंगी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सहायक एवं बिचौलियों द्वारा लाभुकों से लाखों की लूट के खिलाफ भाकपा माले एरिया कार्यालय सगदनी डीह में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए धरना दिया गया। धरना की अध्यक्षता खेग्रामस के राज्य पार्षद मोहम्मद सलीम अंसारी ने किया। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव मनोज कुमार पांडे ने कहा कि जमुई जिले के चकाई प्रखंड के सबसे दुर्गम पंचायत बोंगी में सभी सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में लूट का तांडव चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुखिया, आवास सहायक एवं बिचौलिया जमाल मियां, कुलदीप राय, ब्रजकिशोर राय उर्फ बोधी राय, बजरंगी राय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लाभुकों से लाखों की वसूली हुई है, जिसका प्रतिवाद बोंगी पंचायत के मलकपुर झंडा मैदान में 10 जून को भाकपा माले के नेतृत्व में बोंगी पंचायत की जनता ने किया था। विदित हो कि दुर्गम इलाका होने के कारण कोई भी पदाधिकारी इस इलाके में नहीं जाते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को कागज पर फाइनल दिखाकर पैसे की निकासी कर ली जाती है। अवैध कमाई की बदौलत मुखिया चंद्रमा हेमरम ने 5 वर्षों के कार्यकाल में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। चकाई के चहबच्चा में लाखों का इमारत बनवाया है, वहीं कई जगहों पर बेनामी संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। वहीं आदिवासी किसान नेता कालू मरांडी ने कहा कि मुखिया बिचौलिया सहायक के गठजोड़ से इस पंचायत के गरीबों की महती योजना आवास योजना में लाखों की लूट के खिलाफ जब भाकपा माले की ओर से मोर्चा खोला गया तो इन बिचौलिया सहायक मुखिया बौखलाकर माले नेताओं पर ही मनगढ़ंत आरोप लगाने लगे, जबकि यही सब बिचौलिया उस इलाके में अफीम की खेती करवा रहे हैं। इनके असामाजिक तत्वों से कनेक्शन है और लोगों को डरा धमका कर सच्चाई से पर्दा गिराना चाहते हैं, लेकिन भाकपा माले का जन्म ही इंसाफ की लड़ाई के लिए हुआ है। उस इलाके की जनता के लिए उनको मुख्य धारा में लाने की भाकपा माले के नेताओं ने जान की बाजी लगाकर भी उस इलाके की जनता के सवालों पर संघर्ष किया है। यदि प्रशासन उच्च स्तरीय जांच नहीं करती है तो भाकपा माले की ओर से आंदोलन सड़क से सदन तक होगी। कार्यक्रम में सिवन राय, राधे शाह, राजकिशोर किस्कू, अजीम अंसारी, संजय राय, मसीह हेमरम, बाजो ठाकुर, सुबोध राय, केशव राय, तुलसी राय, वकील पंडित, लट्टू पंडित, हेमंत शाह, मैनेजर सिंह, भरत यादव, भगवान शाह आदि मौजूद। क्या नाम है? केशव राय। कहाँ घर है? तेलिया माल। अच्छा, तो आपका कॉलोनी में, कॉलोनी जो आया आपको, तो कितना किस्त मिला आपको? दो किस्त मिला। तो दो किस्त जो मिला तो मकान बनाना शुरू कर दिए हैं? शुरू कर दिए। तो दोनों बार में कितना पैसा किसको दिए आप? हमें अपने खुद बना रहे। पैसा किसको, आपको दलाल लोग कोई पैसा मांगा, सहायक पैसा मांगा? नहीं, दलाल लोग मांगा 10,000 रुपया। के मांगा? कुलदीप राय। अच्छा, 10,000 रुपया मांगा। तो आप दिए कि नहीं? ले लिया 10,000। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? कुलाल राय। कहाँ घर है? तो आपका कॉलोनी आया है? हाँ। तो आपको पैसा मिला कि नहीं अभी तक? मिला, हमको अपने परिवार से ठीक कर लिया और कुछ हो से। अच्छा, 40,000 जियो से ले लिया। 40,000 दोनों से ले लिया? से ले लिया, दो कॉलोनी है साफ सुथरों का। एक ही बार पैसा मिला? एक ही बार। और दोनों से पैसा ले लिया? ले लिया। के लिया पैसा? जमाल मियाँ। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम है? तुलसी राय। कहाँ घर है? तो आपको भी कॉलोनी आया है? तो क्या बार कितना किस्त मिला है? वो मुखिया जी पहले बार हमको ले लिया, बोला कि बोला 20,000 रुपया काट लिया। मुखिया जी कम बोला कि मेरा पैसा मैं तो नहीं काट लिया, 20,000 रुपया ले लिया। इसके बाद फिर मुखिया जी भी कुछ भी नहीं बोला, सब कॉलोनी बनाया है कि नहीं बना, मेरा भी कॉलोनी छोड़ दिया। तो हमको देखा नहीं है तो कहाँ से बनाएंगे हम? 20,000 रुपया मुखिया जी ले लिया आपसे? हाँ, क्या बार पैसा मिला? वो बोला कि 20,000 रुपया मेरा बनता है, इसी वजह ले लिया। तो कॉलोनी बना कि नहीं आपका? नहीं बना। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम हुआ? लखन राय। कहाँ घर है? सिमरा राय। तो आपको भी कॉलोनी मिला है? कॉलोनी हमारा आया था, फिर अभी लुप्त हो गया। अभी कॉलोनी फिर मुखिया जी पूछे, बोला कि हड़बड़ा काल रहा, कॉलोनी मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा ठीक। आपका क्या नाम हुआ? कहाँ घर है? मुठिया। अच्छा, तो आपको कॉलोनी मिला है? हाँ। तो कॉलोनी में क्या बार पैसा मिला? दो बार। कितना पैसा मिला? एक बार में माना 35,000। अच्छा, मुठिया लोग का ठीक है। ठीक।
तब मैंने 25,000 पाँच आज एक बार में 40,000 एक बार में 40,000 में मैंने 5,000 रुपया उधर लिया और इधर 10,000 रुपया लिया। हाँ। अच्छा ठीक, आपका क्या नाम हुआ? जीबिया सोरेन। कहाँ घर है? तो आपको कॉलोनी मिला है? हाँ। तो कितना पैसा मिला कॉलोनी में? कॉलोनी में एक बार मिला 35,000। अच्छा, और एक बार 40। तो कॉलोनी में तो दोनों किस्त में 45,000 रुपया मिलना चाहिए, तो आपको 35,000 और 40,000 मिला। तो 15,000 रुपया कौन ले लिया आपसे? मुखिया लिया, कौन लिया? अच्छा, मुखिया जी लिए। अच्छा ठीक, आपका क्या नाम है? कहाँ घर है? मुखिया। आपको कॉलोनी मिला है? हाँ। तो क्या बार पैसा मिला कॉलोनी का? दो बार। कितना पैसा मिला? एक बार 35, एक बार 40। तो बाकी पैसा कौन ले लिया? मुखिया जी। अच्छा ठीक, आपका घर कहाँ हुआ? क्या नाम है? तो आपको कॉलोनी मिला है? क्या बार पैसा मिला कॉलोनी का? कितना पैसा मिला? 30,000। बाकी पैसा क्या ले लिया? मुखिया जी लिया। आपका क्या नाम हुआ? सोनालिया। कहाँ घर है? तो आपको कॉलोनी मिला है तो क्या बार पैसा मिला? कितना कितना मिला? 30,000 और एक बार 35,000। तो बाकी पैसा क्या ले लिया? क्या? मुखिया जी लिया। अच्छा ठीक, आपका क्या नाम हुआ? सकुना देवी। कहाँ घर है? बगरैया। तो आपको कॉलोनी मिला है? मिला है। तो कितना पैसा मिला? 20,000 उठा लिया खाने, 20,000 उठ लिया, 40,000 रुपया उठ लिया। तो पैसवा क्या ले लेलको तोरा? पैसा लिया जमाल मियाँ। जमाल मियाँ 40,000 ले लिया? ले 45,000 रुपया मिलता है तो 40,000 उठा। हाँ, 40,000 उठा। खाता में 5,000 जमा है? अपन खाता में। अच्छा, आप ही के खाता में ना? हाँ। अच्छा, 40,000 जमाल रख लिया, 40,000। हाँ, 40,000। क्या कहा? क्या कहा? अपने रख सामने देखे बोले ओ अपने वो रख लिया पैसा। हाँ, हम अपने रख लड़का, हम ठपा दिए हैं, उठा लिए पैसा अपने रख। अच्छा अच्छा, आपका कहाँ घर है? बगरैया। क्या नाम हुआ? मुनी देवी। तो आपको कॉलोनी मिला है? हाँ मिला है। तो कितना पैसा मिला कॉलोनी में? एक बार मेरा 30,000। हाँ, फिर दोबारे मिला फिर 30,000। अच्छा, तो 40,000 आप अपने रखे कि कोई ले लिया? ले लिया जमेला। 40,000 ले लिया? 40,000 जमेला ले लिया। अच्छा ठीक ठीक है।